नमस्कार, बहस जरूरी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका कौशल और दो खास मेहमानों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपके सामने मैं आज पेश हूं। मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊं, उसके पहले मैं विषय आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 11 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया है। ऐलान करने के साथ ही ये पहली ऐसी पार्टी प्रदेश की बन गई है जो तकरीबन डेढ़ साल पहले, इलेक्शन के डेढ़ साल पहले, अपने उम्मीदवारों को बकायदा मैदान में जाने का भरपूर मौका दे रही है। यानी बहुत समय रहते उन्होंने अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस और बीजेपी शायद अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं कर पाए हैं। मैं और एक बात बता दूं दर्शकों को, हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ जनता पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हैं। इसी विषय पे हम बात करेंगे कि किस तरह के प्रॉफिट या लॉस पार्टी को होंगे आने वाले समय में इस तरह की रणनीति के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आर के राय जी मौजूद हैं जो कांग्रेस से MLA रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो जोगी जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लगातार सशक्त तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। सुखनंदन बंजारे जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस पूरी सिनेरियो पे बारीक नजर रखते हैं और उसका विश्लेषण वो करेंगे। तो आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप दिग्गज लीडर हैं जोगी जी की पार्टी के, और नीति निर्धारक जो टीम है कोर कमेटी उसमें भी आप दखल रखते हैं, उसके आप मेंबर हैं। ये पहली बार ऐसा किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, डेढ़ साल पहले इलेक्शन के अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग। इसमें आपके जो प्रश्न है उसमें इतना ही कहूँगा, जोगी जी पार्टी बने डेढ़ साल हुए मात्र अभी, और डेढ़ साल के अंदर इन्होंने 10 लाख मेंबरशिप कर ली। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 लाख है, कांग्रेस पास 6 लाख, और माननीय जोगी जी जनता कांग्रेस पार्टी में करीब 10 लाख मेंबरशिप डेढ़ साल के अंदर पार्टी खड़े हो गई। आज माननीय जी योगी सक्षम है, पूरे 90 सीट का उन्होंने एक एक चीज का विश्लेषण कर लिया है। और आज कोर कमेटी बैठक करीबन 3 घंटा चली, उसमें उस मीटिंग में करीबन 11 प्रत्याशियों का उन्होंने ऐलान भी किया है, और जिसमें 6 कांग्रेस के MLA का भी टिकट अंत में तय होगा। चूंकि हम लोग अभी कोर कमेटी के मेंबर हैं, इसलिए हम लोग अपना नाम समय हो के निवेदन के हिसाब से कि हम लोग का घोषणा बाद में हो, अभी चूंकि बाकी क्षेत्रों को पहले देखना है। जी, ये जो 11 नामों का ऐलान आज किया है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 11 सीट्स हैं जिन पे विधायकों के नामों का ऐलान कर दिया है जोगी जी ने, प्रेमनगर सीट है, रायगढ़ एक सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, रायपुर ग्रामीण ये सीट है, एक भानुप्रतापपुर है, मोहला मानपुर आदिवासी सीट है, भरतपुर सोनहट है, प्रतापपुर, पत्थलगांव, चंद्रपुर, तखतपुर, भाटापारा, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट्स हैं और बहुत मायने रखती हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, रखती आई हैं। और इसमें कई सारी सीट्स पे जो सिटिंग MLA हैं वो बीजेपी के हैं, वो उस पर प्रकाश बकायदा सुखनंदन जी डालेंगे, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं इसको लेकर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे राय जी कि ये जो 11 सीट है जिसमें एक रायपुर की भी सीट शामिल है, रायपुर ग्रामीण, तो क्या आपको ऐसा लगता है इन 11 सीट्स को आपने उम्मीदवार दे दिए, उनको काम करने का वक्त मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि क्या ये सीट सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी तो समय सबसे पहले इन्हीं को दे दो भाई टिकट, यहाँ काम शुरू हो, या बहुत ज़्यादा आप लोग आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं कि ये 11 सीट तो अपनी ही है? क्या क्या लग रहा है दोनों में से? नहीं, इनको असल में माननीय जोगी जी की सोच ये था कि संभाग वाइज एक सीट दो सीट घोषणा पहले करें। तो जैसे बस्तर से भानुप्रतापपुर आ गया, उसी तरह से आपके सरगुजा रायगढ़ में संभाग में रायगढ़ सीट का हो गया, सोनहत का हो गया, और गीतांजलि पटेल जी चंद्रपुर से हो गया, बिलासपुर संभाग से तखतपुर, और रायपुर संभाग से चैतराम जी, मोहला और मोहला तो दुर्ग संभाग हो गया, पत्थलगांव ये हो गया आपका जसपुर में रायगढ़ संभाग, और प्रेमनगर हो गया वो। तो संभाग वाइज उन्होंने चयन किया अभी, तो हमारी सीट सब जीतने वालों की लिस्ट है, ये सूची है, क्योंकि एक साल से क्या मतलब सारे लोग लगातार साहब से जुड़े हैं इस पार्टी से। इसमें दो हमारे IAS अधिकारी हैं जो कमिश्नर रहे हैं, MS पैकरा जी और डॉक्टर नरेंद्र जी सीमो भी रहे हैं। तो प्रशासनिक अमला से भी दो उन्होंने घोषणा की है जिसको फील्ड का काफ़ी अनुभव है, अपने कमिश्नरी काल में, कलेक्टर काल में, और सीमो साहब तो ऑलरेडी मतलब सिटी खोते हैं उनके क्षेत्र में। तो ये सब जितने अनुभवी लोग इसमें लिया गया है और लगातार पार्टी को मजबूत करने में लोग लगे हुए हैं, तो ये हमारी जो 11 सीटें हैं निश्चित तौर पर इस सारे सीटें जो हैं सब प्रभावशील लोग हैं इसमें।
जैसे मैं एक छोटा सा बता दूं रायपुर ग्रामीण के बारे में, जिस समय ओम प्रकाश देवांगन जी ने प्रोग्राम किया बीरगांव में, तो उसमें 30,000 की भीड़ उन्होंने इकट्ठा कर ली। कल हम लोग गए थे आपके भीड़ काफी आ रही जोगी जी के सभाओं में, लेकिन सवाल ये भी उठता है राय साहब की भीड़ को मतों में कितना तब्दील आप कर पाएंगे। भीड़ बहुत ज़रूरी होती है पॉलिटिकल इवेंट के लिए, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो मतों में तब्दील हो जाए। खैर इस विषय पे मैं आऊँगी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रह जाएगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक सवाल कि जोगी जी ने आज ये कह के भी सनसनी फैला दी है कि 6 वर्तमान विधायकों को कांग्रेस के 6 सिटिंग MLAs को भी वो टिकट देने जा रहे हैं। नामों का ऐलान वो बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि 6 सिटिंग MLA हैं उनके, जो आने वाली इलेक्शन में उनके लिए उम्मीदवार रहेंगे उनकी पार्टी से। तो ये आप ही लोग हैं 6 या कोई और भी 6 हैं? मैं इसमें बता दूं आपको, टेक्निकली अभी जो भी रीजन है अभी हम लोग कांग्रेस स्थिति पर नहीं हुआ है, और अभी हम दल बदल करते हैं तो उस घेरे में हम लोग नहीं आना चाहते हैं। चुनाव के ठीक 6 महीने पहले हम इस्तीफा देकर के पार्टी ज्वाइन करेंगे, तब हम लोग घोषणा होगी। उसमें एक तो मैं हो गया, अमित जोगी जी हो गए और सियाराम कौशिक जी, तीन हो गए। नहीं मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर किसी का, तीन में आप पता करिए को लोग तीन कौन लोग हैं। नहीं जोगी जी अभी 2 दिन पहले ग्लिप्स के कार्यक्रम में बोल गए कि जोगी उनसे उनकी 40 साल हो गए शादी हुए और देर सवेर उनको उनके साथ ही आना ही होगा जोगी जी के साथ, तो ऐसा कहीं संकेत मिल रहा है कि रेणु जी भी हो सकती है। आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं तो इसलिए साहब का इस तरह के जवाब आते हैं इसमें। आप भी मंझे हुए नेता हैं, आप भी जोगी जी के साथ ही रहते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको उस पर पैनिक नहीं करूंगी। आपके कुछ चीज़ें गोपनीय रहें, ठीक है, अच्छी बात है। तो सुखनंदन जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो 11 नाम तय किए हैं जोगी कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने, ये 11 नाम कैसे आप देख रहे हैं? इनमें कोई नाम आपको लगता है बहुत सशक्त है? आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है? क्या वाकई में कांग्रेस और बीजेपी को विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी इन नामों को देख के? क्योंकि देखिए पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, ये तो एक नवजात शिशु है, 11 नाम है अभी, तो बाकी नाम आने बाकी है, 90 विधानसभा सीट्स इस प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 11 नाम है जोगी जी ने सोच समझ के मार्केट में फेंके हैं, तो कहीं आपको लगता है इन 11 नामों की वजह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अब कमर कसने पे मजबूर हो जाएंगी? निश्चित रूप से प्रियंका जी, आपने जैसा कहा कि दूसरी पार्टियों के लिए अब चुनौती का एक काम है, मैं आपको सबसे पहले तो ये 11 जो नाम है उनके बारे में मैं बता दूं कि इसमें जो सिटिंग MLA हैं वर्तमान में उसमें से 7 बीजेपी के हैं और 4 कांग्रेस के हैं इन सीट्स पे। जी जो 11 जो डिक्लेयर जोगी जी ने किए हैं उसमें सबसे पहले जो सीट है भरतपुर सोनहट, जिसमें गुलाब सिंह को कैंडिडेट बनाया जोगी कांग्रेस ने, वहाँ पर बीजेपी के जो MLA हैं चंपा देवी पावले जी हैं, वो वर्तमान में भी संसदीय सचिव भी हैं। भाटापारा एक सीट जो है जिसमें चैत्राम साहू जी को कैंडिडेट बनाया जोगी जी ने, वहाँ पर शिवरतन शर्मा जी जो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं, वो वहाँ पर वर्तमान में MLA हैं। शिवशंकर पैकरा जी MLA हैं पत्थलगांव से, जिस पर MS पैकरा जो IS अफसर है उनको कैंडिडेट बनाया गया है। प्रेमनगर में खेल सिंह साय जी हैं आदिवासी विधायक हैं वहाँ पर के कांग्रेस के, उनके अगेंस्ट में जोगी जी ने पंकज तिवारी को वहाँ कैंडिडेट बनाया। इसी तरह रायगढ़ में रोशन सिंह भाजपा के MLA हैं, जहाँ पर विभास सिंह ठाकुर जो पहले पूर्व में यूथ कांग्रेस के बड़े चेहरे वहाँ पर कहे जाते हैं, बड़ा मास लीडर माना जाता है वहाँ रायगढ़ क्षेत्र में, उनको जोगी जी ने कैंडिडेट बनाया है। रायपुर ग्रामीण जो सबसे महत्वपूर्ण सीट इसमें जो दिख रही है हमको, सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर हैं, मंत्री रहे, कई बार MP में भी विधायक रहे, मंत्री रहे, वहाँ पर जी जोगी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, उनके जो खास समर्थक माने जाते थे ओम प्रकाश देवांगन जी, उनको टिकट दी गई। तो ये बहुत एक वहाँ पर घमासान की स्थिति वहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है चुनाव में। भानु प्रताप सीट से भी कांग्रेस के MLA हैं मनोज मंडावी जी, जो कभी जोगी जी के साथ उनकी सरकार में थे और सिपा सलार जोगी जी के माने जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके ही साथ रहे, उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल रहे, वहाँ पर मानक दरपट्टी को कैंडिडेट बनाया जोगी जी ने। तखतपुर सीट जो राजू सिंह छत्री बीजेपी के MLA हैं, वहाँ संतोष कौशिक को कैंडिडेट बनाया जोगी जी ने। प्रतापपुर एक बहुत बड़ी सीट है, जहाँ पर अभी वर्तमान के जो गृह मंत्री है हमारे राम सेवक पैकरा जी, वो बीजेपी के MLA हैं वहाँ, उनके अगेंस्ट में डॉक्टर नरेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया जोगी ने। चंद्रपुर सीट से युद्धवीर सिंह जुदेव हैं MLA, वहाँ गीतांजलि पटेल को कैंडिडेट बनाया है। इसी तरह मानपुर मोहल्ला में कांग्रेस के MLA हैं तेज कुमार
तेज कुंवर नेताम उनके अगेंस्ट में संजीव ठाकुर को कैंडिडेट बनाया जोगी जी। मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट बने हैं जोगी कांग्रेस में, उसमें दो ऐसे नाम जो दिख रहे हैं मुझे, गुलाब सिंह और चैतराम साहू। इसके पहले वो कांग्रेस के ही MLA रह चुके हैं। इसके पहले चैतराम साहू तो पूर्व में कांग्रेस के MLA थे, वहाँ पर से शिवरतन शर्मा ने उनको हराया था, उसके बाद फिर वो जोगी जी के साथ जुड़ गए। इसी तरीके से जो जितने नाम हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस के बड़े पदों पर रहे हैं। गीतांजलि पटेल जिला अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, तो इस तरीके से कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे वो आज जोगी जी के साथ हैं और उनको कैंडिडेट बनाया गया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा खतरा नजर आ रहा है इन नामों से, क्योंकि यही वो चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस के लिए टिकट मांगा करते थे और यही चेहरे हैं जो आप जोगी कांग्रेस के लिए टिकट मांगेंगे, तो दो वार्ड सबसे ज्यादा कांग्रेस में होगी। आप सहमत हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि दोनों पार्टी हालत है खराब राष्ट्रीय स्तर में। एक अभी सिंपल देख रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष के लिए मतलब दिल्ली में घमासान मचा है। एक जी महंत उधर भिड़े हैं, तरफ सत्यनारायण शर्मा जी भिड़े हैं, तो उनके समर्थक नहीं बनाया जा रहा है। तो वहाँ एक तरह से कांग्रेस में जो घमासान मचा है, और BJP ने भी घोषणा कर दिया कि हम 49 विधायकों को टिकट काटेंगे, उनमें घमासान मचा हुआ है। तो निश्चित ये तो हमारी नई पार्टी है, लोग जो हमको फीडबैक मिल रहा है देहातों से, उनका यही कहना है, साफ कहना कि जनता कांग्रेस जोगी को ही इस बार वोट देना, ये जनता चाह रही है कि 60 साल हमने कांग्रेस को देख लिया और 16 साल इनको देख लिया, तो अब हमको देखना है जोगी कांग्रेस। ये मतलब जनता ने मन बना लिया है, अब आगे भविष्य है उसको कोई नहीं जानता, तो लेकिन उम्मीद से दुनिया कायम है, उम्मीद करना चाहिए। एक चीज़ और RK राय जी, और थोड़ा सा मैं सुखनंदन जी आपसे भी चाहूँगी, थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालें कि 6 MLAs को कांग्रेस के जोगी जी टिकट देने जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है। कुछ नाम तो चलिए सामने दिखाई देते हैं, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अब खोजे जाएंगे कि वो कौन है जो जोगी जी की तरफ हैं और जोगी जी जिनको टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को तो एक काम दे दिया है जोगी जी ने कि वो ढूंढ निकाले उन लोगों को। इससे क्या लगता है आप दोनों को कि BJP में तो जो चुनाव होगा, कार्यकर्ताओं को मालूम है रमन सिंह चेहरा है अगले इलेक्शन के लिए, तो वो एक चेहरे के लिए काम करेंगे। जोगी पार्टी में भी एक चीज़ स्पष्ट है कि अजीत जोगी के लिए ही काम करना है सभी को। कांग्रेस में कई चेहरे हैं, तो कांग्रेस में कई फाड़ हैं, तो इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट कांग्रेस पे होगा, आप बताइए राय जी, क्या लगता है आपको? इसमें देखिएगा प्रभाव तो जबरदस्त आएगा पूरा। अभी जो दृष्टिकोण जो कहना चाहिए, चाहे BJP का बड़ा नेता है तो, या मोदी जी आए तो, या अमित शाह जी आए तो, या कांग्रेस से दिग्गज राज आए तो, या कोई प्रदेश का वहाँ समन्वय समिति से कोई भी आए तो, पूरा ध्यान केंद्रित माननीय अजीत जोगी पर ही हो जाता है। कहीं कहीं चर्चा जो है एक दूसरे न खींच के माननीय पूरा अजीत जोगी पर उनका दृष्टिकोण हो जाता है। इस परिस्थिति में साहब का जो केंद्र बिंदु है, निश्चित जोरदार रिजल्ट आने की संभावना है, और जनता की पसंद भी जोगी जी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से माटी से पैदा हुए हैं वो, गरीब परिवार से पैदा हुए हैं वो, छत्तीसगढ़ में सोच रखते हैं वो, गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में उनकी सोच जो है बहुत धरातल से जुड़ा हुआ है। माननीय जोगी जी जमीन से जुड़े हैं, हालांकि उनके मुख्यमंत्री काल में 3 साल का समय मिला, 3 साल में तो एक आधार खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो रमन सिंह जी को पूरा 13 साल मिला, तो मैं सोचता हूँ ये जितनी सोच थी माननीय जोगी जी की सोच थी, प्लानिंग उनकी थी, इम्प्लीमेंट इन्होंने किया। अगर जोगी का समय मिल गया होता तो मेरे ख्याल से श्रेय अजीत जोगी को मिल जाता। बहुत समय कम है सुखनंदन जी, इसलिए मैं चाह रही हूँ आपके सामने एक सवाल और छोड़ रही हूँ, आप संक्षिप्त में रखिए और ताकि हम इसको क्लोज करेंगे बातचीत को, कि अभी अब जब अजीत जोगी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दी है, ये शुरुआत है 11 सीट से, क्या आपको लगता है इस बार BJP और कांग्रेस को भी पर भी ये दबाव होगा कि वो भी समय रहते अपने उम्मीदवारों को का नाम घोषित करें? BJP तो फिर भी मौका देती है काम करने के लिए, कांग्रेस तो बिल्कुल आखिरी तक नामांकन दाखिल करते करते कई बार हमने देखा है कि उम्मीदवारों के नाम चेंज हो जाते हैं कांग्रेस में। हाँ राय जी, आप पे भी आती हूँ, तो क्या दोनों पार्टियों पे ये प्रेशर बनेगा कि वो अपने उम्मीदवारों को समय दें चुनाव प्रचार के लिए और समय रहते उनका नाम घोषित करें, विशेष तौर से कांग्रेस पे? हाँ राय जी, आप रख लीजिए बात, फिर सुखनंदन जी इसको समाप्त करेंगे। आपसे बता दूँ, जिस समय मेरा टिकट का फैसला हुआ उस समय हरिप्रसाद जी को फोन आया, उस समय उनका कार्यक्रम चलता जगदलपुर में, कि राय जी आपको फाइनल हो गया है, राहुल जी ने फाइनल कर दिया टिकट, आप जाइए फॉर्म लीजिए भरिए। तो हम लोग शाम को वहाँ जाके फॉर्म लिए और दूसरे दिन हमको नामांकन भरना था, बिना ताम झाम के गए नामांकन भर दिए। मतलब नामांकन भरने के बाद से 3 दिन जो समय लगे स्क्रूटनी का वापस लेने का, तो मुझे केवल 13 दिन मिला चुनाव प्रचार के लिए, और ये बड़ा
मतलब ये फैक्टर जो है, और आप जानते हैं कि कितनी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि आपका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, खासतौर से बस्तर के इलाकों में तो बहुत ही मुश्किल जाती है जहाँ नक्सलवाद जैसे विषय हैं। सुखनंदन जी, क्या लगता है दोनों पार्टियों पर प्रेशर पड़ेगा? जी बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा। देखिए, चुनाव प्रचार के लिए समय बहुत कम मिलता है दोनों दलों को, या राजनीतिक दलों को कहना चाहिए कि प्रचार के लिए बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि कांग्रेस में हम देखते हैं कि सबसे आखिरी में टिकट दी जाती है कांग्रेस के जो कैंडिडेट होते हैं वो, और चूंकि कैंडिडेट दो तीन ऐसे दावेदार रहते हैं तो तीनों तैयारी अपनी अपनी तैयारियां करते हैं, तो जिसको भी टिकट मिलती है वो फिर उसके बाद फिर अपनी पूरी रणनीति बनाता है, फिर प्रचार में निकलता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। बीजेपी में भी ये होता है कि लगभग हालांकि उनकी टिकट पहले डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन कुछ टिकट ऐसी होती है जो सबसे आखिरी में मिलती है, तो ऐसे कैंडिडेट को बहुत तकलीफ हो सकती है। लेकिन योगी जी ने ये जो 11 नाम जो दिए हैं उसके बाद से दोनों दलों पर एक राजनीतिक दबाव भी बन सकता है कि उनके भी कैंडिडेट्स को अब जो है कुछ दिन पहले, 4 महीने 6 महीना या 1 साल पहले जो है उनकी टिकट की घोषणा कर दी जाए। चलिए, बहुत समय की बाध्यता है इसलिए इसको हमको यहीं खत्म करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को, लेकिन ये बहस जरूरी है का एपिसोड। इसमें एक चीज जरूर सामने आई है कि जोगी जी ने बार बार ये बात बोली अपनी पार्टी बनाने के बाद कि इस पार्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि सारे मुद्दे यहीं तय कर लिए जाएंगे, दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पार्टी का सुप्रीमो भी यहीं बैठता है और उसका मुख्यालय भी उस पार्टी का रायपुर में ही है। तो उन्होंने ये मुद्दों को लेकर ये बात कही थी, लेकिन जिस तरह से वो एक्शन प्लान लेकर चल रहे हैं, उन्होंने अपने 11 नामों का घोषणा कर दी पार्टी के उम्मीदवारों का, तो उससे एक बात और स्पष्ट होती है जो कहीं ना कहीं उनकी बात से मिलती जुलती है कि बहुत सारे मुद्दे चूंकि यहीं तय होने, ना केवल विकास के मुद्दे, दूसरे मुद्दे, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मुद्दे भी यहीं तय होने हैं, उनका पटाक्षेप भी यहीं होना है, उन पर चर्चा भी यहीं होनी है, उन पर निर्णय भी यहीं होने, और कहीं ना कहीं उन्हें ये साबित कर दिया है अपने इन 11 नामों को डिक्लेयर करके कि बहुत ज्यादा फूट की स्थिति अभी, क्योंकि नई पार्टी फूट नहीं होगी, लेकिन हाँ पैनल उनके पास भी होगी निश्चित तौर पे, एक एक सीट पे कई नाम आए होंगे उनके सामने, जैसा कि राय जी बता रहे 3 घंटे बैठक चली, लेकिन तय करने वाले लोग यही है, उनकी पार्टी का सुप्रीमो यही बैठा है, तो बहुत ज्यादा झंझट या उलझन की स्थिति उनको नहीं रही होगी जैसा कि मुझे लगता है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छे संकेत है, एक कहीं ना कहीं उदाहरण कायम किया है जोगी जी की पार्टी ने, और ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियां उसको फॉलो करेंगी और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं उनको पूरा समय मिल पाएगा अपने मतदाताओं तक पहुंचने का और अपना चुनाव प्रचार करने का। आप देखते रहिए glimpse.in। नमस्कार। फॉर एक्सक्लूसिव न्यूज कीप वॉचिंग छत्तीसगढ़'s फर्स्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल एंड पोर्टल glimpse.in।